hello children i hope you all are doing good let's start today's chapter charts in excel in this chapter you will learn about types of charts elements of a chart create a chart and chart tools excel is a spreadsheet program that helps you to enter numerical values or data into rows and columns you can use these numerical entries for such things as calculations and graphs you have already learned how to apply formulae and functions for calculations in a worksheet in this chapter you will move further and learn about different types of charts in excel a chart is a tool in excel that is used to communicate your data graphically a chart can allow you to know the meaning behind your data displaying data in a well conceived chart can make your numbers more understandable you can use these charts to make comparisons much easier देखिए एक्सेल के बारे में आपको पता है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ आप उसमें एंटर करते हैं उसमें हेल्प करता है आपकी रूल्स एंड कॉलम्स में आप इन न्यूमेरिकल एंट्रीज़ को कैलकुलेशन एंड ग्राफ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं ओके okay, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में किस तरह से फॉर्मूले एंड फंक्शन को अप्लाई किया जाता है तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट विच आर यूज इन एक्सेल राइट right? तो चार्ट आपका एक टूल होता है एक्सेल में जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने डाटा डेटा को ग्राफिकली राइट right? तो चार्ट में आपको क्या होता है कि आपको पता चलता है कि वॉट इज़ द मीनिंग बिहाइंड योर डेटा आपके डेटा के पीछे आप क्या मीनिंग है राइट right? फिर इससे आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले होता है एक वेल कंसीव चार्ट में जिससे कि नंबर्स और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं आप उसको ईजिली समझ पाते हैं राइट right? इसके अलावा हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं कंपेरिजन्स के लिए राइट Types of charts. Excel supports many types of charts. Each type of chart has a specific application. The chart type you select will depend on the type of data you are using and the purpose of the chart. Here are some commonly used charts in Excel. Number one, pie charts. Pie charts make it easy to compare proportions.

तो इससे देखा होता है कि वैल्यूज़ को आप देख पाते हैं ईजिली परसेंटेज आपको पता चल जाता है राइट नेक्स्ट एज कॉलम चार्टस कॉलम चार्ट यूज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा दे कैन वर्क विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बट दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन अब आपके देखिए ये कॉलम चार्ट्स हैं ये आपके जो वर्टिकल बार्स होते हैं जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको देखिए ये ज़्यादातर कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना होता है तो मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है मोस्ट फ्रीकवेंटली भी यूज किया जाता है

देखिए ये जो लाइन चार्ट है आपको इसमें आपको काफी सारी लाइन नजर आ रही है ये एक्चुअल में ये आपके जैसे ट्रेंड्स को शो करना होता है तो उसके लिए काफी आइडियल होते हैं और इसमें जो डेटा पॉइंट्स आपके लाइन से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि आपको ईजिली पता चल जाता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है ओवर टाइम राइट एरिया चार्ट्स एरिया चार्ट सिमिलर टू लाइन चार्ट एक्सेप्ट द एरियाज एंड द लाइन ऑफ फिल्ट अब आपके एरिया चार्ट पे लाइन चार्ट के सिमिलर होते हैं बस जो एरियाज होता, होता है ना अंडर द लाइन्स वो आपका फिल्ड इन होता है नंबर सिक्स सर्फेस चार्ट्स सर्फेस चार्ट अलाउ यू टू डिस्प्ले डेटा अक्रॉस अ थ्री डी लैंडस्केप दे वर्क बेस्ट विद लार्ज डेटा सेट्स अलाउिंग यू टू सी अ राइट इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम अब आपके देखिए जो सर्फेस चार्ट्स होते हैं ये आपके डेटा को डिस्प्ले करते हैं अक्रॉस अ थ्री डी लैंडस्केप और ये आपके बेस्ट द वर्क करते हैं जब डेटा काफ़ी बड़ा हो डेटा सेट्स

is a symbol on the chart that represents a single value in a worksheet. A data marker can be a bar in a bar chart, a pie in a pie chart or a line in a line chart. Data markers with the same shape or pattern represent a single data series in the chart. Number three, data series. It is a group of related values such as all the values in a single row in the chart. A chart can have just one data series. Acha dekhi. chart area आपके चार्ट विंडो के इनसाइड होता है सब कुछ जिसमें चार्ट के आपके सारे पार्ट्स होते हैं ठीक है डेटा मार्कर या डेटा पॉइंट आप किसे कहते हैं वो आपका सिंबल होता है चार्ट में जो कि एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वर्कशीट में तो आपका जैसे डेटा मार्कर बार चार्ट में बार होता है और पाई में आपका पाई चार्ट हो सकता है लाइन चार्ट में आपका लाइन हो सकता है ओके तो, एंड डेटा मार्कर्स सेम शेप या पैटर्न के रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डेटा सीरीज को है ना डेटा सीरीज आपके होते हैं रिलेटेड वैल्यूज़ के ग्रुप ठीक है जैसे कि आपकी जो, जो वैल्यूज होंगी वो सिंगल रो में होंगी आपके चार्ट में और एक चार्ट में आपकी एक जस्ट एक डेटा सीरीज होती है नंबर फोर एक्सिस इट इज अ लाइन दैट इज यूज एज अ मेजर रेफरेंस फॉर प्लॉटिंग डेटा इन अ चार्ट इन टू डायमेंशनल चार्ट देर आर टू एक्सेस द वाई द एक्स एक्सेस होरिजॉन्टल स्लैश कैटेगरी एंड द वाई एक्सेस वर्टिकल स्लैश वैल्यू नंबर फाइव मार्क इट इज अ स्मॉल लाइन इन intersecting an axis a tick mark indicates a category scale or chart data series a tick mark can have a label attached to it अच्छा एक्सेस के बारे में आपको पता है एक्सेस ये आपका क्या होता line, यूज़ है लाइन जिसको यूज किया जाता है एज अ मेजर रेफरेंस मतलब कि कोई भी आपको डेटा को प्लॉट करना है चार्ट में तो उसके लिए मेजर रेफरेंस आपका लिया जाता है दैट इज द लाइन कॉल्ड एक्सेस तो दो डायमेंशनल चार्ट में आपके दो एक्सेस होते हैं एक्स एक्सेस यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड वाई एक्सेस जो आपकी वर्टिकल लाइनस होती हैं राइट एंड टिक मार्क आपका एक छोटा सा स्मॉल लाइन होती है जो कि एक्सेस को इंटरसेक्ट कर तो करती है ठीक है तो टिक मार्क इंडिकेट करती है कैटेगरी को स्केल को या फिर चार डेटा सीरीज को नंबर सिक्स प्लॉट एरिया इट इज द अरिया वे डेटा इज प्लॉटेड एंड इट इंक्लूड्स एक्सेस इन ऑल द मार्कर्स दैट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स यह आपका एरिया होता है जहां पे आपका डेटा को प्लॉट किया जाता है इसमें आपका एक्सेस इंक्लूडेड होता है मार्कर्स इंक्लूडेड होते हैं जो डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सेवन ग्रिड लाइन्स दीज आर द ऑप्शनल लाइन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टिक मार्क्स अक्रॉस द प्लॉट एरिया इट मेक्स ईजियर टू व्यू द डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाई द टिक मार्क्स अब आपकी जो ग्रिड लाइन्स होती है ना ऑप्शनल लाइन्स होती है आपकी आपके टिक मार्क्स एक्सटेंड करती हैं अक्रॉस द प्लॉट एरिया तो इससे क्या होता है कि जैसे डेटा वैल्यूज को व्यू करना काफ़ी ईजियर हो जाता है जो कि टिक मार्क्स आपके रिप्रेजेंटेड होते हैं right? राइट

ओके okay, तो जो लेजेंड है वो डेटा सीरीज को शो करते हैं एंड डेटा टेबल आपका ग्रिड होता है जो आपके चार्ट में अपीयर होता है जो कि एग्जैक्ट डेटा को डिस्प्ले करता है जो कि हम यूज करते हैं चार्ट को क्रिएट करने के लिए ओके अच्छा देखिए आपको यहाँ पे दिया हो गया है ये आपके पास ये बार्स है और देखिए किस तरह से ये आपके पास एलिमेंट है आपके चार्ट के राइट right? जैसे कि एवरेज स्कोर क्या आपका चार्ट टाइटल है ओके एंड दीज लाइन ये ग्रिड लाइन है दिस इज द प्लॉट एरिया एंड ये आपके पास जो स्केल दिया गया लेजेंड है डेटा टेबल डेटा सीरीज है फिर आपके पास ये नेम ऑफ स्टूडेंट है ये आपका चार्ट टेक्सट है ये एक्सेस आपका देखिए ओके देन आपके पास ये टिक मार्क है देन दिस इज द डेटा मार्कर ओके क्रिएट अ चार्ट बिफोर मेकिंग अ चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन अ डेटा सीरीज अ डेटा सीरीज इज अ रिलेटेड सेट ऑफ डेटा पॉइंट

तो एक्सेल वर्कशीट में यूजुअली वन रो ऑफ डेटा होता है एसोसिएटेड आपका कॉलम के साथ कॉलम हेडिंग्स के साथ या एक कॉलम होगा डेटा का वो विद द एसोसिएटेड रो हेडिंग्स तो जितने भी चार्ट टाइप्स हैं हम सिंगल मल्टीपल डेटा सीरीज को प्लॉट कर सकते हैं एक्सेप्ट पाई चार्ट पाई चार्ट में हम नहीं कर सकते ओके okay? तो किस तरह से चार्ट को क्रिएट करना है लेट्स चेक इट आउट टू क्रिएट अ लाइन चार्ट स्टेप्स आर एज फॉलोज स्टेप वन टाइप द डेटा इन योर एक्सेल वर्कशीट स्टेप टू सिलेक्ट द डी रेंज ए वन इज टू डी सिक्स स्टेप थ्री ऑन द इंजर्ट टैब इन दार्ट ग्रुप चूज लाइन चार्ट एंड सिलेक्ट लाइन विदर्स ओके देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने एक्सल वर्कशीट में डेटा टाइप करना है जिसका भी आपको चार्ट क्रिएट करना है ओके अब आपके पास जैसे ये डेटा गिवन है अब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे रेंज ए वन इज टू डी सिक्स ओके okay. अब आपके पास इंजर्ट टैब में है लाइन चार्ट इसको चूज करना है फिर सेलेक्ट करेंगे लाइन विद मार्कर्स ओके okay. और आपका देखिए डेटा आ गया ये लाइंस की फॉर्म में राइट क्लीन अप हियर आर टू क्वेश्चंस गिवन टू यू इनके आंसर्स आपने खुद से लिखने हैं ओके नेक्स्ट चार्ट टूल्स वंस यू इंसर्ट अ चार्ट अ सेट ऑफ चार्ट टूल्स अरेंज्ड इनटू टू टैब्स बिलो पियर इन द रिबन दे आर ज आर ओनली विजिबल वेन द चार्टज सेलेक्टेड यू कैन यूज दीज टू टैब्स टू मॉडिफाई योर चार्ट ओके आपने एक बार चार्ट इंजर्ट कर दिया आप देखिए चार्ट टूल्स का जो सेट है वो अरेंज हो जाएगा दो टैब्स में आपके रिबन में अपियर होंगे तो ये विजिबल कब होंगे जब आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे है ना आप दो टैब्स को यूज कर सकते हैं अपने चार्ट को मॉडिफाई करने के लिए चेंज चार्ट टाइप यूजिंग डिजाइन टैप स्टेप वन फ्रॉम द चार्ट डिजाइन टैप लाइक द चेंज चार्ट टाइप का मान अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स स्टेप टू सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप देन क्लिक ओके ओके अब आपको क्या करना है चार्ट टाइप को चेंज करना है ओके डिजाइन टैब की हेल्प से तो आप क्या करेंगे ये चार्ट डिजाइन टैब में से आपको क्लिक करना है चेंज चार्ट टाइप ओके अब डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया अब इसमें से देखिए आप कोई भी चार्ट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे ओके राइट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्शुअल टैब्स आर टैब्स अपीयर व्हेन यू नीड देम व्हिच आर सो कॉल्ड टूल्स देर आर टू चार्टचुअल टैब्स चार्ट डिजाइन फॉर्मेट द कॉन्टेक्शुअल टैब्स बिकम अवेलेबल व्हेन यू क्रिएट चार्ट ओके कॉन्टेक्शुअल टैब्स आपकी वो टैब्स होती हैं जब वो तभी अप्योर होती हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है और इनको कहा जाता है चार्ट टूल्स तो दो चार्ट कॉन्टैक्चुअल टैब्स होते हैं चार्ट डिज़ाइन इन्फॉर्मेट तो जो कॉन्टेक्चुअल टैब्स होते हैं वो अवेलेबल तभी होते हैं जब आप न्यू चार्ट को क्रिएट करते हैं

चूज करना है कॉलम चार्ट और फिर इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे हम थ्री डी क्लस्टर्ड कॉलम ओके अब देखिए आपका ये चेंज हो गया है चार्ट टाइप राइट नेक्स्ट स्विच रो और कॉलम समटाइम्स वेन यू क्रिएट अ चार्ट द डेटा मे नॉट बी ग्रूप द वे यू वॉन्ट इट टू बी इफ यू वॉन्ट योर स्कॉट डिस्प्लेड इन द वर्टिकल एक्सेस देन टू बी डिस्प्लेड इन द हॉरिजोंटल एक्सेस इन स्टेट फॉलोइंग दीज स्टेप्स स्टेप वन सिलेक्ट द चार्ट You will notice that the Chart Tools Contextual tab is activated. Step टू on the Chart Design tab, click Switch Row Column. ओके okay. कई बार क्या होता है कि आपको ना जैसे आप चार्ट क्रिएट कर रहे हो तो जिस तरह से आप अपने डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं वो इस तरह से नहीं हो पाया तो आप क्या कर सकते हैं आप उसे चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर जो है वो वर्टिकल एक्सेस पे डिस्प्ले होना चाहिए ओके हॉरिजोंटल एक्सेस की बजाय तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे अब आप देखिए आपका चार्ट टूल्स कंटेक्शुअल टैब एक्टिवेट हो चुका है फिर यहां से हमने क्या करना है क्लिक करेंगे स्विच रो स्लैश कॉलम है ना ओके okay, और ये आपके इस तरह से चेंज हो जाएगा राइट एड अ चार्ट टाइटल यू कैन इजीली एड अ चार्ट टाइटल टू योर चार्ट इन एक्सेल टू एड अ चार्ट टाइटल फॉलो दीज स्टेप्स स्टेप वन

आपने सेलेक्ट क्या करना है सिंपली चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे फिर से देखिए आपका चार्ट टूल्स कंटेक्शुअल टैब एक्टिवेट हो गया फिर चार्ट डिजाइन टैब में ये आपका आ गया ऐड चार्ट एलिमेंट्स या चार्ट टाइटल ठीक है फिर हम क्लिक करेंगे अब चार्ट या सेंट या सेंटर्ड ओवरले ओके okay. अब देखिए इसको जो भी आपने टाइटल देना है फॉर एग्जाम्पल आपने इसको टाइटल देना है एवरेज स्कोर राइट और देखिए your average score to title is ka aage, right summing up a chart is a tool in excel that is used to communicate your data graphically column charts can work with many different types of data but they are most frequently used for comparing information line charts are ideal for showing trends data series is a group of related values such as all the values in a single row in the chart Legend is a key that identifies patterns, colors, or symbols associated with the markers of a chart data series. Once you insert a chart, a set of chart tools arranged into two tabs will appear on the ribbon. Children, I hope you have understood or chapter and the practice and exercise practice. Of the practice of the